हाय एवरीवन, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आज के टॉपिक में दोस्तों आपको स्विच बोर्ड के बारे में डिटेल बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्विच बोर्ड है और ये कौन सा कंपनी का होगा आप सोच भी रहोगे ना, तो आपको पता ही होगा, हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग कौन सा कंपनी ज़्यादा रिफर करते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलो आज की वीडियो में आपको बताते हैं कौन सा स्विच बोर्ड हम लोग बैठाने वाले एक हाउस वायरिंग पे और कंपनी का क्या नाम है, पूरा डिटेल बताएंगे इस वीडियो पे। और कैसा दिखता है प्लेट, कैसा हमारा रेगुलेटर रहता है, स्विच कैसा रहता है, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग पार्ट बाय पार्ट स्टार्टिंग में पूरा डिटेल बताने हैं, ओनली स्विच बोर्ड के बारे में, कोई वायरिंग फेयरिंग कुछ नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा कंपनी आप समझ गए होंगे, ये देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिग्रेंड कंपनी का स्विच बोर्ड मंगाए हैं, तो इसका मॉडल कौन सा होगा वो कुछ सोच रहे होंगे ना, तो चलो आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा लिग्रेंडी कंपनी का सब कुछ मंगाया गया है, ठीक है। तो हम लोग को काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कौन से मॉडल का हम लोग को लगाना चाहिए घर पर और कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। ये हल्का सा महंगा है आपको बता दूँ, प्लेट और स्विच भी दोनों महंगा है, ठीक है। तो ये कंपनी का मेंशन आप देख सकते हो मेरे पास, यहाँ पर हम लोग का जो है मॉडलर लिग्रेंड कंपनी का। तो देखिए यहाँ पर मैरिज ये कंपनी का मतलब ये जो है मॉडल नंबर है, ठीक है। कंपनी नाम तो हमारा लिग्रेंड है, मैरिज ये जो हमारा मॉडल नंबर है, तो इसी मॉडल में हम लोग को चाहिए रहता है। ये तीन मॉडलर का है, इसका प्लेट का क्वालिटी कैसा रहता है चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रेपर बाहर करके जो आपको स्विच बोर्ड एक दिखा रहे थे एंट्री में स्टार्टिंग किए थे, तो उतना समय आपको एक पूरा बना बुना दिखा रहे थे ना, इसको चलो देख खोलते हैं अनबॉक्सिंग करके और देखते हैं कैसा दिखता है। ये तीन मॉडलर के लिए देखिए, एक हेवी वाला मेटल का एक प्लेट दिया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक प्लेट दिया गया है और उसके बाद जो है इसका कवर जो है इसको भी अलग से पैकिंग करके दिया गया है, ठीक है। देखिए इसका क्वालिटी देखिए यहाँ पर, और इसका काफ़ी स्मूथ है आप देख सकते हो पूरे। और इस साइड पे एक बॉर्डर दिया गया है और एक यहाँ पर मेंशन किया गया है लिग्रेंड कंपनी का। तो चलो आपको काफ़ी सारा पॉइंट ये है, ये तो तीन मॉडलर का प्लेट है, ऐसा हम लोग का 12 मॉडलर 18 मॉडलर सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये देखिए एक हम लोग 12 मॉडलर का प्लेट ये लिग्रेंड, और ये मॉडल नंबर इसका मेंशन है और ये नंबर है इसका, ठीक है। तो ये नेम है और इसका मॉडल नंबर। तो ये प्लेट कैसा दिखता है तो चलो एक लगा लूगा आपको दिखाता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रीशियन लोग लगा रहे थे। देखिए इस तरीके से आया इंटरफेस और ये पूरा फिनिशिंग कैसा दिखेगा लगने के बाद, और काफ़ी सुंदर दिखता है, ठीक है। तो ये देखते हैं आपको प्लेट जो है इसको बाहर करते हैं, और काफ़ी सॉफ्ट है आपको बता दूं, रबर जैसा है। और ये स्विच देखिए, हमें आपको स्विच देखिए यहाँ पर, ये स्विच कैसा होगा आपको सोच रहे होंगे ना। तो चलो इसका डब्बे देखते हैं और कितने पीस है, क्वांटिटी कैसा है। और ये इसका रेगुलेटर सिंगल वाला है, डबल वाला भी आता है, सिंगल है और काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें हल्का सा साउंड आएगा, फिर हेवी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं कौन कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट है। ये देखिए 12 मॉडलर के एक प्लेट है, उसके बाद ये क्या है, ये हमारा स्विच है आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्विच है और ये टू वे स्विच है इसमें, और वही सब मिक्स होगा। और देखते हैं यहाँ पर और क्या है, ये हमारा ब्लैंक प्लेट जो 1 मॉडलर का ब्लैंक प्लेट रहता है डमी वो है। और यहाँ पर MCB देखिए, MCB भी हम लोग लिग्रेंड का मंगवाएं, और हम लोग सी कैटेगरी और बी कैटेगरी का इंस्टॉलेशन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये स्विच है 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर का स्विच है। और ये देखिए यहाँ पर प्लेट है 8 मॉडलर का जो प्लेट है यहाँ पर, ये देखिए 8 मॉडलर, और ये भी अलग है, ठीक है। तो ये और बस वही है सब, स्विच बोर्ड और ये सॉकेट हुई। तो चलो ये देखते हैं यहाँ पर आपको कैसा दिखेगा वो सोच रहे होंगे ना, तो बोर्ड फिटिंग वाला आपको दिखा दिए। ये देखिए इस तरीके से पैकिंग रहता है, और ये इधर मेटल देखने को मिलेगा और इधर PVC, और काफ़ी सुंदर दिखता है लगने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं ये दिखता है, और जितने भी हम लोग जगह पे हम लोग लगाते हैं लिग्रेंड का, ठीक है, जितने भी घर पर अभी हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं लिग्रेंड का स्विच और लिग्रेंड का प्लेट। तो ये कम प्राइस में भी आता है, महंगे में भी आता है, और ये कॉस्टली है, ठीक है। और इसका स्विच का एक प्राइस बता ही देता हूँ आपको, समथिंग 80 से 90 रुपये का प्राइस पड़ेगा, और ये प्लेट का प्राइस नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप समझ जाना स्विच के हिसाब से आपका प्राइस क्या होने वाला है,
ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर स्क्रू देते हैं, फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा अपना, ये बोर्ड पे लगता है। और ये देखिए काफ़ी मेटल है, और ये क्यों नहीं लगता, छोटा हो जाता है, हम लोग गड्ढा ज़्यादा रहता है। और ये काफ़ी हेवी है, और ये मुड़ने वाला नहीं है, और इसका पीवीसी काफ़ी सॉफ्ट है, और ये लुक में मस्त दिखता है। स्विच बोर्ड में लगने के बाद काफ़ी सुंदर दिखता है, और इसमें स्विच लगाना काफ़ी आसान है। ये देखिए एक काम और गलत ये हो जाता है यहाँ पर, देखिए ये जगह बच रहा है अपना, इसमें ना हमारा 14 मॉडलर का भी बन जाता है ये, ठीक है 12 से 14 हो जाता है, और 18 भी हो जाएगा, ये डबल डबल होगा, सिंगल चार तरफ से, तो ये हम लोग का 12 से 14 भी हो जाएगा। तो ये हम लोग का 12 मॉडलर है, 14 मॉडलर का भी आता है, 18 मॉडलर का भी आता है। तो चलो फिटिंग करते हैं बोर्ड लोग, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा कौन सा कंपनी का यूज करते हैं हम लोग हाउस वायरिंग पे, और ज़्यादातर हम लोग 99 घर पे तो लिगरेंटी लगवाते हैं, रिफर करते हैं, 10 साल वारंटी आपको बता दूं ये स्विच पे, 10 साल में तो कुछ ख़राब होता ही नहीं 100%। इसमें का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो भी सॉकेट का, वो मार्केट में मिल जाता है, वो भी अवेलेबल रहता है, प्रॉब्लम होने से सॉल्व भी हो जाता है। और इसका कंपनी कभी भी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है, ये 30 साल पुराना कंपनी से ज़्यादा है, 30 से 40 साल हो चुका है ये कंपनी को आया, और ये अच्छे से वर्क, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क में हम लोग का काफ़ी जगह हम लोग का काम आ रहा है लिग्रेंट का। तो फाइनल हम लोग 99 घर पे लिग्रेंट का रिफेयर करते हैं, और ये स्विच बोर्ड और ये फिटिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ आ गया हम लोग कौन सा कंपनी का ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग हाउस वायरिंग पे, तो सबसे ज़्यादा लिग्रेंट का। तो दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना, वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।